हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SS फाउंडेशन में। तो आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। तो नेशनलिज्म होता क्या है, तो चलिए इसको देखते हैं। इट इज़ ए बिलीफ सिस्टम विच इंस्टॉल ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमॉन्ग द मेम्बर्स ऑफ ए नेशन। ये एक सिस्टम है जिससे लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी आता है। नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम एक्सेट्रा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग ऑफ द स्ट्रेंथिंग द इन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। जो नेशनल फ्लैग होते हैं, नेशनल सिंबल होते हैं, नेशनल एंथम होते हैं, बहुत मुख्य भूमिका अदा करते हैं जो नेशनलिज्म के जो फीलिंग को बढ़ावा देने में। जैसे कि हमारे देश में भारत माता कहने से केवल मेरे आपके मन में ही केवल देश प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं होती है, सारे देशवासियों के मन में देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो इस जो भावना उत्पन्न होती है उसको हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, जो अगला टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बिफोर द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी से पहले द कंट्री इन द यूरोप यूर नॉट इन फॉर्म एस वी नो देम टूडे। जो कंट्री है जो यूरोप में, वो जो अभी है वो पहले ऐसे नहीं थे। डिफरेंट रीजन इज रूल इन यूरोप यूर रूल्ड बाई द वेरियस मल्टी नेशनल डायनेस्टी एम्पायर। जो बहुत सारे जो रीजन हैं जो यूरोप में, वो पहले मल्टीनेशनल जो डायनेस्टी मतलब राजा महाराजाओं द्वारा रूल किए जाते थे। दिस वेयर मोनार्चीज विच इंजॉय एब्सोल्यूटिस्ट पावर ओवर देयर सब्जेक्ट। ये लोग मोनार्ची थे जो अपने प्रजा पे पावर अपना इंजॉय करते थे। वेरियस टेक्नोलॉजिकल एंड द इन्यूसिंग सोशल चेंजेस सेल्फ इन द डेवलपिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। बहुत सारा जो टेक्निकल और सोशल जो चेंज है उससे जो आइडिया था जो नेशनलिज्म का, उसका जन्म हुआ। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट बिगेन इन 1789। जो नेशन स्टेट बनने का जो प्रोसेस था वो 1789 में शुरू हुआ विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789। और ये क्यों हुआ था, वहाँ से जो मोनार्ची था उसका सिस्टम हटाकर वहाँ पर डेमोक्रेसी के जो सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए ये फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1789 में। इट टुक अबाउट 100 ईयर टू द आइडिया टू गेन कॉन्क्रीट शेप। ये जो आइडिया था जो नेशनलिज्म को, उसको 100 ईयर्स लगा उसको एक कॉन्क्रीट शेप लेने में। विच रिजल्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रांस एज द डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट। जिससे जो फ्रांस था वो एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट बन गया। द ट्रेंड वॉज फॉलोड इन अदर पार्ट। ये जो प्रथा था वो अगले और भी पार्ट ऑफ द यूरोप में फैलने लगा एंड लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक। इससे जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था वो एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में, एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के शुरुआत में। ठीक है, जो हमारा जो अगला टॉपिक हो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हैं। द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द चेंज इन द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उससे जो फ्रांस के जो पॉलिटिकल एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल थे उसमें बदलाव आए। ठीक है, इन 1789 द पावर वॉज ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्ची टू द बॉडी ऑफ द सिटीजन। जो 1789 में जो पावर जो मोनार्ची के पास था वो ट्रांसफर हो गया सारे लोगों में। इट वॉज प्रोक्लेम दैट हेंस फॉर द फ्रेंच पीपल वुड सेव द डेस्टिनी ऑफ देयर कंट्री। अब यह लोग सोचने लगे कि अब जो फ्रांस के जो लोग हैं वो अपने कंट्री के जो आगे का जो भविष्य है वो तय करेंगे। अब यहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन नहीं रहा, अब यहाँ पे डेमोक्रेसी जो एक नया चीज़ था वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया, जो कि एक बहुत अच्छा एक क्या कह सकते हैं हम इसको, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है क्रिएटिंग ऑफ सेंस ऑफ नेशनहुड। तो चलिए इसको देखते हैं। वेरियस स्टेप वेयर टेकन बाय द रिवोल्यूशनरी। जो रिवोल्यूशनरी थे उनके द्वारा बहुत सारे स्टेप लिए गए टू क्रिएट द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी लोगों में लाने के लिए बहुत सारे स्टेप रिवोल्यूशनरी द्वारा लिए गए। सम ऑफ द स्टेप वेयर गिवेन बिलो। इनमें से कुछ स्टेप नीचे दिए गए हैं। द आइडिया ऑफ फादरलैंड एंड द सिटीजन वॉज क्रिएटेड टू एम्फसाइज अ कम्युनिटी विच एंजॉयड द इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आइडिया ऑफ जो फादर लैंड था एंड सिटीजन, उस पर जोर डाला गया इससे जो लोग थे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स थे उसको इंजॉय कर सके। ठीक है, द रॉयल स्टैंडर्ड वॉज रिप्लेस्ड विथ अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर। जो रॉयल जो फ्लैग था उसको रिप्लेस किया गया जो नया जो फ्रेंच का जो फ्लैग था ट्राई कलर से। ठीक है, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। जो स्टेट जो जो जनरल थे उनको जो सिटी जो कंट्री के जो एक्टिव सिटीजन थे उनके द्वारा उनको इलेक्ट किया गया एंड इट वॉज रिनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। और उसको नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया। ठीक है,
तो 3 पॉइंट हम लोग देख लिए। चौथा पॉइंट है, इन द नेम ऑफ द नेशन, देश के नाम पर न्यू हिम्स वेयर कंपोज्ड एंड द ओथ्स वेयर टेकन, मतलब लोग देश के नाम पर शपथ लेने लगे, ये सब होने लगा। ठीक है, मतलब इससे जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, मतलब देश प्रेम का जो भावना, इससे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स वेयर कमोडिटेड अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज क्रिएटेड, जो सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उससे ये बना, विच फॉर्मुलेटेड द यूनिफॉर्म लॉ फॉर द ऑल द सिटीजन, इससे जो सारे लोग हैं उनके लिए सामान्य जो लॉ मतलब कानून बनाया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटी वेयर अबोलिश, जो इंटरनल जो कस्टम ड्यूटी थे उसको हटाया गया। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटी वेयर अबोलिश, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी था उसको हटा दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वॉज एडॉप्टेड, जो एक यूनिफॉर्म सिस्टम था जो वेट एंड मेजरमेंट का, उसको अडॉप्ट कर लिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज एंड फ्रेंच लैंग्वेज वॉज प्रमोटेड एज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशंस, जो और सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस थे उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया, और जो फ्रेंच का जो लैंग्वेज था उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया गया। द रिवोल्यूशनरी ऑल्सो डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशंस एंड डेस्टिनिटी ऑफ द फ्रेंच पीपल टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम द डिस्पोटिज्म एंड हेल्प अदर रीजन्स टू ऑफ द यूरोप इन बिकमिंग द नेशनल, जो रिवोल्यूशनरी थे ये भी अपना मिशन का ऐलान कर दिए कि जो फ्रेंच है उसको फ्रीडम तो बना दिया, और जो यूरोप में और भी जो जगह है उसको ये लोग यूनाइट करके उसमें भी डेमोक्रेसी लाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह इफेक्ट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। तो चलिए देखते हैं, इन डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप पीपल बिकम मोटिवेटेड फ्रॉम द इवेंट इन द फ्रांस, इन डिफरेंट सिटीज इन यूरोप, यूरोप के दूसरे शहर में पीपल बिकम मोटिवेटेड फ्रॉम द इवेंट इन द फ्रांस, फ्रांस में जो इवेंट हुआ उससे लोग मोटिवेट होना शुरू हो गए। एज ए रिजल्ट स्टूडेंट एंड अदर पीपल फ्रॉम द एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, इसे जो एजुकेटेड जो पीपल थे मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स थे वो सब एक क्लब बनाना शुरू कर दिया, जिसको जैकोबिन क्लब कहा जाता है। देयर एक्टिविटीज मेड अ ग्राउंड फॉर फर्दर इंकरेजमेंट बाई द फ्रेंच आर्मीज, इनके जो एक्टिविटी थे इससे जो फ्रेंच के जो आर्मी थे उनमें एक इंकरेजमेंट आया। द फ्रेंच आर्मी मूव्ड इन टू होलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ द इटली इन 1790, जो फ्रेंच के आर्मी थे वो होलैंड गए हैं, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड जो लार्ज पार्ट ऑफ इटली है वहाँ पे 1790 में वो चले गए। दस द फ्रेंच आर्मी स्टार्टेड कैरिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू द फॉरन लैंड, जो फ्रेंच के जो आर्मी थे वो दूसरे दूसरे जो लैंड पर ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म थे वो ले जाना शुरू कर दिया, मतलब जो आइडिया ऑफ जो नेशनलिज्म है वो चारों तरफ फैलना शुरू हो गया। यही डेमोक्रेसी का जो एक फायदा है, मतलब ये जब फैलता है तो सब कोई पसंद करता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो नेपोलियन, तो चलिए नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं। नेपोलियन वॉज द एम्पायर ऑफ द फ्रेंच फ्रांस, जो नेपोलियन था वो फ्रांस का एम्पायर था फ्रॉम 1804 टू 1815, 1804 से 1815 तक। ऑल्दो नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रेंस बाय री इंट्रोड्यूसिंग द मोनार्ची इन द फ्रेंच, जो नेपोलियन था वो जो फ्रांस में जो डेमोक्रेसी था उसको हटा दिया और वहाँ पे फिर से मोनार्ची को इंट्रोड्यूस कर दिया। बट ही मेड रिवोल्यूशनरी चेंज इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और वो जो रिवोल्यूशनरी थे उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ चेंज लाने के लिए उनको मजबूर कर दिया। दैट आइडिया वॉज टू मेक द सिस्टम ऑफ मोर रेशनल एंड इफिशियंटी, और उनको ये आइडिया दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और रेशनल और इफेक्टिव बनाया जाए। द सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 में जो नेपोलियन का जो सिविल कोड आया विच इज़ कॉमनली नोन एज नेपोली कोड, जिसको हम लोग नेपोली कोड भी जानते हैं, को एबोलिश ऑल द प्रिवलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, दो जो बर्थ पे जो भी जो प्रिवलेजेस था जो हायर्स जो क्लासेस को वो सबको हटा दिया गया। इट वॉज एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और कानून के आगे सब कुछ इक्वल कर दिया गया। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया है। इवन इन दोज टेरिटरीज विच केम अंडर हिज कंट्रोल, जो भी टेरिटरी उसके कंट्रोल में आता था, नेपोलियन बिगेन टू इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स एज ही डिड इन फ्रांस, वो सब टेरिटरी में भी जो अपना जो नया नया जो कानून था वो सब लगाना शुरू कर दिया, जैसे वो फ्रांस में लगाना शुरू किया था। ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन डच रिपब्लिक स्विट्जरलैंड आयरलैंड एंड जर्मनी, वो जो जो जगह में अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव को जो बदला था वो है डच है, स्विट्जरलैंड है, इटली है। ही एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड पीजेंट कुड बी फ्रीड फ्रॉम द सेल्डम एंड मोनरल ड्यूस, जो नेपोलियन था वो सब खत्म कर दिया, जैसे कि फ्यूडल सिस्टम और जो
किसान थे वो अपने फेल्ड्रम्स एंड मिनरल्स ड्यू से वो उभर गए। गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड इन टाउन्स, की जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था वो टाउन में उसको हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको भी इम्प्रूव कर दिया गया। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो नेपोलियन यहाँ पे जो भी चीज़ किया है वो अच्छा किया है, लेकिन ये तो नेपोलियन का एक अच्छा पार्ट है, लेकिन नेपोलियन का बुरा क्या पार्ट है वो हम देखते हैं। चलिए, रिएक्शन ऑफ पीपल्स, तो नेपोलियन ने वो सब किया, उसमें जो पीपल था लोगों का क्या रिएक्शन रहा, चलिए देखते हैं। पीजेंट आर्टिसियन वर्कर एंड न्यू बिजनेस एंजॉय दिस न्यू फाउंड फ्रीडम, जो पीजेंट थे आर्टिसियन थे वर्कर थे ये सब जो नया जो फ्रीडम था उसको एंजॉय किया, ठीक है। दे कुड रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ एंड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एंड ए कॉमन करेंसी वुड बी मोर हेल्पफुल इन मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल अक्रॉस द वेरियस रीजन। उनको ये रियलाइज हुआ कि जो यूनिफॉर्म लॉ है और जो वेट और मेजरमेंट का इससे और जो कॉमन करेंसी है वो बहुत हेल्पफुल होगी एक्सचेंज, उनके गुड के एक्सचेंज करने में और जो पैसे के अदल बदल करने में भी बहुत उनको मदद मिलेगी, क्योंकि सब एकदम समान कर दिया गया। मतलब वेट मेजरमेंट जो था वो भी यूनिफॉर्म कर दिए गए, एक करेंसी रख दिया गया, सबको वही करेंसी से अपना जो भी चीज़ खरीदना है खरीदेगा और सब चीज़ करेगा। तो ये एक अच्छा लोगों को लगा कि ये जो नेपोलियन किया है वो एक अच्छा काम किया है। बट इन एरियाज विच वेयर कंक्वायर्ड बाई द फ्रांस, जो एरिया था जो फ्रांस को कंक्वायर था मतलब जीता गया था, पीपल रिएक्शन टुवर्ड्स फ्रेंच रूल्स वेयर मिक्स, वहाँ पे जो फ्रेंच का जो रूल्स था वो एकदम मिक्स था। इनिशियली द फ्रेंच आर्मीज वेयर सीन एज द टॉर्चर बियर, वहाँ पे जो टॉर्च बियर मतलब वहाँ के जो फ्रेंच जो आर्मी थे उनको एक मार्गदर्शक द्वारा फ्रीडम में जो मार्गदर्शन थे वैसे उनको लगे। बट वेरी सुन पीपल रियलाइज दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज नॉट गोइंग टू गारंटी पोलिटिकल फ्रीडम, लेकिन कुछ समय बाद लोगों को यह महसूस होने लगा कि जो नया जो सिस्टम है वो एकदम जो उनका जो पोलिटिकल फ्रीडम है वो गारंटी नहीं कर रहा है। इंक्रीजिंग इन टैक्स, टैक्स बढ़ने लगा, सेंसरशिप एंड द फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इन टू द फ्रेंच आर्मीज वेयर सीन एज आउटवेटिंग द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज विच नेपोलियन ब्रूट। नेपोलियन क्या किया, वहाँ पे टैक्सेस बढ़ाने लगा, जो फ्रेंच आर्मीज थे वो आउटवेट और एडवांटेज लेने लगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके विच नेपोलियन ब्रोड, जो नेपोलियन वहाँ पे लाया था। दस द इनिशियल इंथुसियाज्म ऑफ द पीपल बिगैन टू टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, जो पहले जो लोगों को लगता था कि उनके लिए जो ये सब फ्रीडम हुआ एक अच्छा था, वो अब लगता है कि ये सब कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।